Okay, start karte hain. So today idea is to talk about the monumental colors of Delhi. I try to give it a little creative name. Basically what I'm gonna do is jitne bhi monuments Delhi mein hain jinke naam mein kisi color ka zikr aata hai, koi rang aata hai, to aaj main un monuments ki baat karunga. You guys want, you can unmute yourself and give me some ideas. Kitne monuments hain jo aap gina sakte ho jinke naam mein color aata hai? Let's see. Unmute karo ya chat mein de mereko. Give me some names. Lal Kila. लाल किला और कुतुब मीनार में कलर कहाँ आता है? कलर नहीं आता. हाँ, नीला गुंबद. यस, एक नीला करके भी कुछ है. नीला व्हाट? नीली मस्जिद. जी हेलो. ओके, माय सन इज आल्सो हियर. पापा कुछ बताना है. Okay, so I just got a wish from my son. Happy April Fool Day. Anyways, yes, Neela Gumbad, Neeli Masjid, aur Neele se bahut sare hai, Lal se bahut sare hai. Baki ke list ab main just give me a second. चलिए लाल से ही शुरू करते हैं फिर. लाल से कौन? लाल महल. यस, देयर इज वन लाल महल आल्सो. आई विल शो यू दैट. कर रही हूं बेटे. बिल्डिंग. ओके, आई एम अगेन म्यूटिंग एवरीवन. वो एक मैं कुछ कर रही हूं ना. या सो द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली व्हिच इज नेम्ड आफ्टर अ कलर is Lal Kot, which is the very first fort, the oldest fort of Delhi. So Delhi ka jo maine last session kiya tha usme bataya tha ki Pandavon ne Delhi ko basaya aur Indraprastha mein jo unhone kila ya mahal banaya tha uska ab kuch bacha nahi hai. So we don't know wo kaisa dikhta tha, usme kya tha. Lekin Mehrauli mein Mehrauli aur Jawaharlal University ke beech ka jo area hai Sanjay Van ka, वहां पर लाल कोट अभी भी मौजूद है जो राजा अनंग पाल तोमर ने 11th सेंचुरी में बनाया था. तीन अनंग पाल तोमर हुए. दिस वाज बिल्ट बाय अनंग पाल द सेकेंड. द वॉल इज रफली ऑफ 2.25 किलोमीटर ऑफ लेंथ और इसकी जो थिकनेस है वो कई जगहों पर 30 फीट है और कई जगहों पर इससे थोड़ी सी कम है. बेस्टियंस यानी कि जहां पर वो गोल सा बना देते हैं, जैसे फोटोग्राफ में आपको दो तीन बेस्टियंस नजर आ रही है, बेस्टियंस इसकी 60 फीट तक चौड़ी है और दीवार की ऊंचाई कभी 60 से 100 फीट के बीच में हुआ करती थी. अब उतनी नहीं बची है, काफी जगह पे काफी कम बची है. इसके अलावा यहाँ पर जब मैंने दिल्ली वाला सेशन किया था तो उसके अंदर इन ग्रेव्स का जिक्र किया था, इस वेस्टर्न का जिक्र किया था. जहां की ये तस्वीर है, मेन जो बड़ी वाली तस्वीर है स्लाइड पे, इसके लिए कहा जाता है कि इसके बिल्कुल बाहर एशिया का सबसे बड़ा बाजार किसी जमाने में लगता था, जहां पर एक से एक परफ्यूम और स्लेव्स एंड व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ वो वहां पर मिलता था. नेक्स्ट बिल्डिंग दैट वाज बिल्ट आफ्टर दिस क्रोनोलॉजिकली लाल वर्ड से, दैट इज कुश्के लाल और लाल महल जो निजामुद्दीन बस्ती में है. दिस इज द वेरी फर्स्ट पैलेस बिल्ट बाय एनी मुस्लिम इन इंडिया और इसमें जो गुंबद है, it is the oldest true dome, oldest surviving true dome in India right now. isme ek tehkhana bhi hai. is building ko todne ki koshish ki ja rahi thi lekin ye bach gaya. itna portion bacha liya gaya, baki aas paas ka pura structure toot chuka hai. aur jo aap modern picture dekh rahe hain jisme metal sheets ki scaffolding lagi hui hai ya barricade sa laga hua hai, uske piche aapko lal mahal ke piche white color ki building nazar aayegi. ye white color ki building is the mosque jo पिछले दो दिन से न्यूज में है. तबलीगी जमात का जो मरकज है, ये वही मरकज है जो अभी न्यूज में है, जहां पर बहुत सारे लोग थे अंदर और कल उसमें से कितने सारे पेशेंट्स हैं उनको बाहर निकाला गया और बसों में भर के भेजा गया. तो दैट्स द प्लेस. इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बनाया गया एक मकबरा
एक टूम जो इस समय मालवीय नगर में है, इसे लाल गुंबद कहा जाता है क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने लिए बनवाया था, बट देन ही बिल्ट दिस हौस खास का मदरसा, तो वहां पर भी उसने एक टूम बनवा लिया एंड ही फाइनली गॉट बरीड ओवर देयर। सो ये वाला जो टूम है, इट वेंट टू शेख कबीरू औलिया हु इज द सक्सेसर ऑफ हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी। तो जो चिश्तिया सिलसिला ख्वाजा चला आ रहा है और फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी साहब, उनके बाद शेख कबीरुद्दीन औलिया का जिक्र आता है और ये उनका श्राइन है। इस टूम को रकाब वाला गुंबद भी कहा जाता है। रकाब वाला गुंबद इसलिए क्योंकि इसके एक साइड पे मेटल के रिंग घोड़े पर चढ़ने के लिए घोड़े की रकाबे होती हैं, इस तरीके से इस पर रकाबे लगी हुई है जिनसे चढ़कर, कहते हैं किसी जमाने में कोई लोग ऊपर चढ़ गए थे चोर, और जो इसका डोम है उसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ था, वो सारा का सारा गोल्ड उतार कर ले गए, तो तब से इसका नाम रकाब वाला गुंबद भी पड़ा हुआ है। मुझे किसी एक डॉक्यूमेंट में मिला था कि एक और टूम का जिक्र आया था कि वो भी फिरोज शाह तुगलक ने अपने लिए बनवाया था, तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट प्रोबेबली आई शुड गो एंड लुक कि उसने टोटल कितने टूम्स थे जो बनवाए थे अपने लिए, और फाइनली ही पिक्ड वन जिसमें उसको अभी बरी किया गया है जो हॉर्स खास में है। आगे बढ़ते हैं, लाल दरवाजा, शेरशाह सूरी गेट भी इसको कहा जाता है। इसकी अभी मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है। दिस इज ऑपोजिट ओल्ड फोर्ट, जो मॉस्क है ओल्ड फोर्ट के बाहर जू के ऑपोजिट, खैरुल मनाजिल, उसके बिल्कुल बगल में है ये गेट। ओह सॉरी, मेरे पास है फोटो, एनिमेशन डाल रखी थी। सो दिस इज लाल दरवाजा, ये बैक साइड से इसकी फोटोग्राफ ली गई है। ये शहर का दरवाजा हुआ करता था कभी, जो दिल्ली शेरशाही जो शहर था। लाल किला आप सब जानते हैं, इसका असली नाम लाल किला नहीं है, असली नाम है किला ए मुअल्ला या उर्दू ए मुअल्ला। और यहाँ पर जो बाहर जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो रेड सैंड स्टोन है, जिससे इसका नाम रेड फोर्ट या लाल किला फेमस हो गया। बिल्कुल नीचे जो आप एक लंबा पैनोरामिक शॉट देख रहे हैं वो मटिया महल में एक ऊंचे पॉइंट से खींचा गया है, जिसमें पूरे लाल किले की दीवार हमको नजर आ रही है। ये लाल किले का एक कॉर्नर है, दिस गेट वॉज क्लोज्ड। सो जो फर्स्ट फोटोग्राफ आप देख रहे हो इसके अंदर गेट जो है वो है, लेकिन वो सील किया हुआ है। ये यमुना की तरफ निकलता हुआ दरवाजा, इसे बदरू दरवाजा कहते हैं और आजकल इसे अतदबुर्ज दरवाजा कह दिया जाता है। और नीचे को उतर के इसको खोलना, बीच में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इस साइड से ओपन कर देंगे, बिकॉज जो पार्किंग है उस तरफ को फिर एक्सेस निकल जाएगी जो लाल किले की पार्किंग है। लेकिन ये पूरे शाहजहानाबाद का लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। अभी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फोटोग्राफ में, पूरा अंदर से सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पंप लगा के पानी पूरा पंप आउट किया गया, इसको सुखाया गया। जब तक वो इसको सुखाते हैं थोड़े दिन ऐसे ही रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें पानी भर जाता है। तो इसको मेंटेन करने में थोड़े चैलेंजेस आ रहे थे, अभी तक ये दरवाजा इसलिए सील रखा गया। लाल बंगला जो है वो बेगम लाल कुंवर, जो शाह आलम द सेकंड की मदर थी, ये उनका टूम है। दिल्ली गोल्फ कोर्स के अंदर जो गोल्फ कोर्स की पार्किंग है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसे लाल बंगला कहा जाता है और अंदर इनकी ग्रेव्स भी है। जोरबाग में जो श्राइन है शाही मर्दान, उसके बिल्कुल बगल में ये मस्जिद है। ये मस्जिद फर्स्ट फ्लोर पर है, नीचे किसी का घर है, तो ऊपर का सीन जो है ये फोटोग्राफ मैंने डाली हुई है, साहिल की फोटोग्राफ है, यहाँ पर मैंने यूज की है। सो लाल मस्जिद भी एक है, अब इसके ऊपर व्हाइट पेंट कर दिया गया, मॉस्क इज स्टिल इन यूज, सो दिस इज हाउ इट लुक्स दीस डेज। लाल डिग्गी के नाम से हमारे पास बहुत जगह डॉक्यूमेंट्स में एक जिक्र आता है, और अब वो लाल डिग्गी एग्जिस्ट नहीं करती है, अब वहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन चुका है। तो लाल किले के बिल्कुल बाहर जो रामलीला होती है वहां पर कभी लाल डिग्गी हुआ करती थी, विच वॉज बेसिकली अ ह्यूज पॉन्ड। सो आई रीड मेनी रिकॉर्ड्स जिनमें ये लिखा है कि जब जो लाल किला है, लाल किले के अंदर जो मुगल फौज है वो बादशाह को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन लाल किले को बाहर से और शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए रोटेशन पे अलग अलग वहां से सोल्जर्स आते थे। जैसे कभी राजपूतों ने अपने यूनिट को भेज दिया, कभी जो भी उनके एलाइज थे, तो
तो अलग अलग कभी रोहिल्लाज आ रहे हैं, अवध से आ रहा है, तो वो रोटेशन होता था, उसका रोस्टर होता था कि आज इस इतने दिनों तक इसकी ड्यूटी है, इतने दिनों तक इसकी ड्यूटी है। ये जो लोग थे ये किले के अंदर नहीं रहते थे, किले के बाहर रहते थे, तो लाल डिग्गी जो है वो इसके आसपास अपने कैंप्स लगाते थे, और लाल डिग्गी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स हुआ करता था, तो प्रोटेक्ट भी करते थे जाहिर है, क्योंकि पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है। सो वो जो लाल डिग्गी है वहां पर पूरा वो भर चुका है, एक ग्राउंड बन चुका है, रामलीला होती है वहां, और कई जो फेयर्स वगैरह वो भी वहां लगाए जाते हैं। और उसके बगल वाली लाल मस्जिद, लाल कुआं अभी भी एग्जिस्ट करता है, और उसके बगल में मॉस्क अब है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है। वो एरिया लाल कुआं बाजार के नाम से जरूर अब फेमस है, और कहते हैं कि मुगलों के दौर से पहले से वो वहां पर मौजूद है, बल्कि शाहजहानाबाद जो है जब वो बनाया गया तो फिरोजशाह तुगलक का बनाया हुआ जो शहर था फिरोजाबाद, उसका काफी हिस्सा शाहजहानाबाद में आ गया, जिसे अब हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, जिसमें तुर्कमान गेट के पास जो कला मस्जिद है और अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे उसमें फिर शामिल हो गए। रजिया सुल्तान की ग्रेव है वहां पर, वो भी शाहजहानाबाद के अंदर अब आ गई है। लाल चौबारा एक स्ट्रक्चर है निजामुद्दीन के अंदर, एक बिल्डिंग है मुगल दौर की बताई जाती है। अब ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती था कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ कि अगर वो है भी या उसका कोई अगर स्ट्रक्चर अभी बचा भी है। तो लाल दरवाजा एक पुरानी दिल्ली में भी है, बाजार सिकरीवालान में, और वो जो है वो अब्दुल रहमान खान की जो हवेली है उसकी एंट्रेंस है, उसे लाल दरवाजा कहा जाता है। लाल पर्दा भी एक इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल डू वन सेशन जस्ट ऑन रेड फोर्ट, बिकॉज लाल किले के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते, जिनमें से एक है लाल पर्दा। तो लाल किले में जब आप जाते हैं, जो दीवाने आम है, दीवाने आम के बिल्कुल बगल में रास्ता है जहां से अभी हम निकल के पीछे दीवाने खास और रंग महल जो बाकी का इलाका है जो प्राइवेट एरिया वहां चले जाते हैं, तो वहां पर एक पर्दा लगाया गया था लाल रंग का, जिसे लाल पर्दा कहते थे। और ऐसा माना जाता है, या जो मेरे को डॉक्यूमेंट से पढ़ने को आया है, कि लाल पर्दे को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर आपको लाल पर्दा क्रॉस करके आगे जाना है, यू नीड टू टेक परमिशन, एंड ओनली रॉयल ब्लड और नोबल्स हु आर ऑथराइज्ड टू एंटर द प्राइवेट एरिया ऑफ द मुगल पैलेस वर अलाउड टू क्रॉस दैट वन कर्टन। और लाल पर्दे का जिक्र बहुत जगह रेफरेंसेस में आया, क्योंकि वो एक लिमिट हुआ करता है, वो सिर्फ एक कपड़े का पर्दा था, पर फिर भी वो एक लिमिट थी विच वॉज डिवाइडिंग द रॉयल एरिया और द कॉमन एरिया। तो दीवाने आम के बिल्कुल बगल में, जो कि पीछे जो पूरा रॉयल एरिया है वो उसको छुपा कर रखता था, वो लाल पर्दा हुआ करता था, और इसी नाम से उसको हर जगह रेफर किया गया। अब चलते हैं सफेद पे। अच्छा, अगर आपको लगे कि मैंने बीच में कुछ मिस कर दिया है, प्लीज फील फ्री टू पॉइंट आउट, मुझे जरूर बताइएगा कोई मॉन्यूमेंट अगर मैं बीच में मिस कर जाऊं तो। सफेद में जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो है धौला कुआं। धौला मीन्स सफेद इन पंजाबी। सो धौला कुआं, जब मैं ढूंढने निकला कि धौला कुआं में वाकई कोई कुआं है कि नहीं है, तो मुझे वहां पर एक स्ट्रक्चर जरूर मिला है, किसी एक ग्रेव है वहां पे, एक श्राइन है बेसिकली, अभी भी ऑपरेट होती है, और वहां पर एक कुआं है। लेकिन ये वही कुआं है जिसके नाम पर ये धौला कुआं रखा गया, यानी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो कुआं मुझे मिला वो जब हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो जो टर्न करते हैं, जो पेट्रोल पंप आते हैं एयरपोर्ट सिटी एयरपोर्ट वाली मेट्रो लाइन से जस्ट पहले, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले, उसके जो दोनों पेट्रोल पंप है उनके पीछे जो गार्डन है उसके अंदर ये श्राइन है और ये कुआं वहां पर एक मुझे दिखा है। बट उसकी वजह से इसे धौला कुआं कहा जाता है कि नहीं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, और धौला कुआं का कहीं कोई मुझे रेफरेंस भी नहीं मिला है। कसरे सफेद का एक जिक्र आता है मामलुक डायनेस्टी में, तो कहते हैं कि जब स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है तो जो पैलेस ये लोग यूज करते हैं रहने के लिए वो कसरे सफेद है। कसरे सफेद का जिक्र खिलजी दौर में भी आता है कि खिलजी कसरे सफेद में रहा है, बट ये एग्जैक्टली द पैलेस ऑफ वाइट कलर, ये कहाँ था, ये कैसा था, दिखने में कैसा था, किसने बनवाया, उसकी हमें डिटेल अभी तक नहीं मिली है। अब चलते हैं गोल्डन सुनहरे की तरफ। सो सुनहरे में फर्स्ट इज बुर्जे तिल्ला। बुर्जे तिल्ला इज
जो लाल किले में पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको हम मुसम्मन बुर्ज भी कहते हैं, और इसके अंदर बादशाह के जो है बेड चेम्बर्स भी हैं, जहां पर बादशाह का बेडरूम है, और यहाँ पर हमारे पास इसमें उसका तस्बीह खाना जहां वो बैठ के प्रेयर करता था। इसके ऊपर जो डोम है, डोम के ऊपर तिल्ला लगा हुआ था जिसकी वजह से इसको बुर्ज तिल्ला कहा जाता था। तिल्ले को सुनहरी उससे भी रेफर किया जाता है, तो ये सुनहरी रंग का, इसके ऊपर एक शीट, मेटल की शीट लगी हुई थी। और अब वो खैर अब ऐसी कुछ शीट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो नीचे फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट, उस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है बैक साइड से लाल किला, और उसके बगल में ही पेंटिंग है कि ओरिजिनली ये कैसा हुआ करता था। इस जगह की एक और बहुत खास बात है, ये खिड़की इस तरह से इसलिए बनाई गई क्योंकि अकबर के टाइम पे प्रैक्टिस शुरू हुई थी। अकबर जब आगरा से रूल कर रहे थे तो आगरा में भी ऐसा एक मुसम्मन बुर्ज है जिसमें बाद में शाहजहां को कैद किया गया, और बादशाह जो है अकबर वो बाद में फतेहपुर सीकरी लाहौर में भी उन्होंने ये प्रैक्टिस जारी रखी। डेली सुबह उठकर वो बाहर विंडो पर आते थे, तो यमुना की तरफ जो थोड़ा सा स्पेस है रिवर और पैलेस के बीच में, यमुना की तरफ बहुत सारे लोग रोज सुबह इकट्ठे होते थे बादशाह को देखने के लिए। और इस जो ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, इस प्रैक्टिस का नाम पड़ गया दर्शन देना। सो एवरी मॉर्निंग द एम्परर वुड कम, वो पर्दे से झांकेंगे और नीचे बहुत सारे जो लोग हैं वो खड़े होंगे उनको देखने के लिए। उनको देखने के बाद ही वो लोग जो है वो बात करेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे। सो देयर वाज अ होल ग्रुप ऑफ पीपल जो जब तक बादशाह को ना देख ले, ना तो वो किसी से बात करते थे, ना वो सुबह कुछ खाते पीते थे। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब बादशाह जो है वो उस शहर में नहीं होता होगा या किसी काम में बिजी हो गया, वो बाहर नहीं आया, तो इन लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। बहरहाल मुगलों ने ये प्रैक्टिस आखिर तक जारी रखी। पीछे एक विंडो हमेशा बनाई जाती थी, सुबह उठ के सबसे पहले जो बादशाह है वो यहाँ खिड़की पर आएगा जहाँ पे रात से लोग खड़े हुए हैं अर्ली मॉर्निंग से वेट करने के लिए कि कब बादशाह सोकर उठे, वो लोगों को अपनी शक्ल दिखाए और लोग एक दूसरे से बात करें, खाएं पिए। और जिस दिन बादशाह थोड़ा सा लेट हो गया उस दिन ये बेचारे भूखे बैठे रहेंगे। इसमें जो आप नीचे गेट देख रहे हो, देयर वाज अ प्रपोजल बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि क्यों ना यहाँ से एंट्री ओपन कर दी जाए और लाल किले में आने जाने के लिए यहाँ से भी रास्ता खोल दिया जाए। पर ये गेट बहुत छोटा है और लाल किले के अंदर पब्लिक बहुत ज्यादा आ जाती है, और पीछे का जो गार्डन है फिर वहां पर भी काफी अरेंजमेंट करना पड़ जाता, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता, जिसकी वजह से ये वाला प्रपोजल फिर कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सुनहरी मस्जिद चांदनी चौक में है, सीसगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में। लेफ्ट साइड पे इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है और राइट साइड पे इसकी मॉडर्न डे फोटोग्राफ है। उधर ओरिजिनल पेंटिंग है, इधर मॉडर्न डे फोटोग्राफ है कि अब ये मस्जिद कैसी दिखती है। इस मस्जिद के बारे में जो सबसे मशहूर बात है वो ये है कि इस मस्जिद पे चढ़ के नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दिया था। तो कहते हैं कि नादिर शाह ने अटैक किया था, और नादिर शाह ने जहां पर भी वो लड़ाई कर रहा था उसने मुगलों को खबर भिजवाई थी कि तुम जो है या तो मुझे इतने पैसे दे दो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। सो द मुगल एम्परर सेड डोंट अटैक, विल पे यू, बट द एम्परर नेवर पेड। तो वो अपनी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए दिल्ली आ गया। तो लाल किले में एम्परर के साथ बैठ के कुछ बातचीत हो रही थी, चल रहा था, तो एम्परर सेड हाँ हाँ दे रहे हैं, बात वही हो रही थी। और इतने में बाहर किसी ने अफवाह फैला दी कि नादिर शाह को किले में बादशाह ने मार दिया। जैसे ही अफवाह फैली, जितने भी नादिर शाह के सिपाही थे उनको लोगों ने भगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। ये बात जैसे ही बादशाह को पता, नादिर शाह को पता चली, उसको बहुत गुस्सा आया। नादिर शाह बाहर आया, इस मस्जिद के ऊपर चढ़ा, अपनी तलवार निकाली, और किस्सा कुछ यूं है कि उसने कहा कि जब तक मेरी तलवार वापस अंदर ना जाए म्यान में, तब तक आपकी तलवारें रुकनी नहीं चाहिए। तो उसके सिपाहियों ने यहाँ पर ऐसा कत्लेआम मचाया, कहते हैं आधी दिल्ली जो उस समय शाहजहानाबाद की थी, आधी से ज्यादा दिल्ली उन्होंने साफ कर दी, और शाहजहानाबाद इस पूरे चांदनी चौक के बीच एक नहर हुआ करती थी। इस नहर में इतनी डेड बॉडीज काट काट के फेंक दी कि दोबारा फिर कभी उस नहर का पानी इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। वो जो एक वाटर चैनल बनाया गया था वो हमेशा के लिए बंद ही करना पड़ गया, अब वहां पर सड़क बना दी गई है। तो ये वो सुनहरी मस्जिद है जहां से ये पूरा खूनी मंजर देखा गया। ये है शाही सुनहरी मस्जिद। तो दो सुनहरी मस्जिदें हैं, एक सुनहरी मस्जिद जो सीसगंज के बगल में है, एक सुनहरी मस्जिद जिसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम दे दिया गया शाही सुनहरी मस्जिद।
कुत्सिया बेगम की बनाई हुई है 1751 की है। ये जो लाल किले की पार्किंग है उसके बाहर आपको कॉर्नर पर नजर आ जाएगी, तो बसीजंग स्टोन जो होता है उससे ये मॉस्क बनाई गई है। पुरानी पेंटिंग देखकर पता चलता है कि इसके पीछे भी कुछ स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, बट अब वो कहीं कुछ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते, बस ये मॉस्क जो है ये खड़ी है अभी तक। अब चलते हैं ब्लैक काले की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आती है काली मस्जिद। मजे की बात यह है कि एक्चुअल में ये इसका नाम काली मस्जिद नहीं है, इसका नाम है कला मस्जिद जो पुराना नाम है, लेकिन ये नाम करप्ट होके काली मस्जिद बन गया। निजामुद्दीन दरगाह के पास ही, निजामुद्दीन वेस्ट एरिया में ही ये काली मस्जिद है, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम में 7 मस्जिदें बनवाई थी उसमें से ये एक है। और एक ऐसी ही मस्जिद तुर्कमान गेट पे भी है, उस कला मस्जिद। तो ये दो कला मस्जिद हुआ करती थी। कला मीन्स बिग, KALAN, बीच में अ की आवाज आएगी एन में। तो दो कला मस्जिद बनवाई थी, इस वाली का नाम काली मस्जिद पड़ गया टाइम के साथ, कहीं भी आपको काला रंग नजर नहीं आएगा। सो दिस इज काली मस्जिद ऑफ फिरोज शाह तुगलक पीरियड। डियर पार्क के अंदर वी हैव अ टूम नोन एज काली गुमटी, कहा जाता है सूरी डायनेस्टी के टाइम का है ये, पठान का दौर, पठानों का दौर जिसे कहा जाता है। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कोई आइडिया नहीं है। देखने से लगता है कि किसी का टूम है, बट इसके अंदर कौन बरेड है उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। फिर आता है साउथ एक्स में काले खां का गुंबद। साउथ एक्स पार्ट वन में जो मैकडोनल्ड्स है उसके जो सर्विस विंडो है वहां पर अगर आप खड़े हो बाहर, जो टेक अवे वाली है, तो साइड से गली अंदर जाती है, बिल्कुल सामने आपको देखेंगे तो बोर्ड नजर आ जाएगा, थोड़ा सा उस पर वॉक करिए, अ फ्यू स्टेप्स एंड यू विल सी दिस स्ट्रक्चर। तो काले खां का गुंबद वहां पर सामने नजर आ जाता है। सो दिस इज काले खां। लोधी दौर का बताया जाता है, यहाँ पर लोधी टाइम के बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स हैं, इसी लिस्ट में एक दो और भी आएंगे अभी। इसके बगल में किदवई नगर में दरिया खां लोहानी का मकबरा है, विच इज इन द सेंटर ऑफ एक पूरा गोल चक्कर है, और अभी जो किदवई नगर नया डेवलप हुआ है उसके वो बीचों बीच आ गया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, यू शुड गो एंड सी दैट। गोल चक्कर के बीचों बीच 4 छतरियां और सेंटर में ग्रेव, तो उसके ऊपर कभी शायद कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, वो टूट गया है, छतरियां भी कुछ कुछ टूट चुकी है, बट अभी भी जितना बचा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं ब्राउन, भूरे खां का गुंबद। ये भी साउथ एक्स में है, पार्ट वन काले खां के गुंबद से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहां पे बगल में बड़े खां छोटे खां का गुंबद है, उसी कॉम्प्लेक्स में, उसी पार्क के साइड पे ये भूरे खां का गुंबद है। बैडली पैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स विद बिल्डिंग्स, एक साइड पे इसके रोड है। और अगेन, कौन थे भूरे खां, कब इनको दफनाया गया, डिटेल हमारे पास नहीं है। आर्किटेक्चर देखकर हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि ये लोधी दौर का रहा होगा। और भूरे खां कोई कोर्टियर थे, कोई नोबल थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास। एक सैयद भूरे शाह का मकबरा है, उनकी दरगाह है जो रामलीला ग्राउंड में है, अभी भी है। ये कब बनाई गई उसका आइडिया नहीं है। अब चलते हैं हरे पे। सो ग्रीन को उर्दू में कहा जाता है सब्ज। सो जब आप हुमायूं टूम जाएंगे, निजामुद्दीन श्राइन के बिल्कुल बाहर, हुमायूं टूम एंट्री से जस्ट आगे सेंटर में गोल चक्कर के बीच में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। आजकल इसके ऊपर एक हरा पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि इसकी रिस्टोरेशन चल रही है। इसे कहा जाता है सब्ज बुर्ज क्योंकि कभी इसके ऊपर बहुत सारी हरे रंग की टाइल्स थी, अभी भी कुछ ट्रेसेस आपको नजर आ जाएंगे हरे के। और अब जब रिस्टोरेशन हो रही है तो आई एम श्योर ये थोड़ा सा और बेटर निकल के आएगा कुछ दिनों में। इसको बीच में अंग्रेजों के दौर में एज ए पुलिस स्टेशन यूज किया जाता था, फिर पुलिस स्टेशन इसके अंदर से निकाल के इसके बिल्कुल बाहर फोटोग्राफ में पीछे जो ग्रिल नजर आ रही है उसमें, वहां पर पीछे पुलिस स्टेशन है अभी। तो 12 खंबा और उसके बगल में लाल महल, थाना, वो सारा इसके पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं। तो दिस इज सब्ज बुर्ज। एक सब्ज मस्जिद का मेरे पास एक रिकॉर्ड में जिक्र आया है, बाजार लाल कुआं में। वो अभी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी हरे रंग की, वहां पे एक मॉस्क है, मुझे जाके उसकी फोटो खींचने का मौका नहीं मिला है। सो जहां तक मेरा ख्याल है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, सेम नेम और नॉट आई एम नॉट श्योर कि अब शायद उसका नाम बदल दिया गया है। अब बात करते हैं नीले की, यानी कि ब्लू। सबसे पहले तो नीला गुंबद, फाहिम का मकबरा, खाएं खाना,
जो अकबर के दौर में हुआ करते थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और खाए खाना को हम सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बट वी डोंट रियलाइज हु खाए खाना इज. सो दिस इज सेड टू बी द टूम्ब ऑफ फाहिम. फाहिम वॉज स्लेव एंड और कंपेनियन ऑफ खाए खाना. एंड हु वॉज खाए खाना? अब्दुल रहीम खाए खाना वॉज द सन ऑफ बहराम खान. तो अगर आपने जोधा अकबर देखी है, जिन्होंने जोधा अकबर में आपने बहराम खान का रोल देखा होगा, उस मेंटर ऑफ अकबर, और अकबर को वो ना सिर्फ वॉर टैक्टिक्स सिखाते हैं, लड़ाई करना सिखाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाते हैं, और उनकी और महामंगा की एक टसल हमेशा चलती रहती है. तो ये जो बहराम खान थे, बहराम खान के बेटे हैं अब्दुल रहीम खाए खाना, बचपन से अकबर के साथ हैं. और आप लोग भी बचपन में आपने सेवेंथ क्लास में, एट्थ क्लास में खाए खाना की लिखी हुई पोइट्री को जरूर पढ़ा होगा. आपको याद करा देता हूँ एक दो लाइनें. जैसे हिज फुल नेम इज अब्दुल रहीम और खाए खाना इज हिज टाइटल. सो रहीम के नाम से वो लिखते थे, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर ही जाए, और इस तरह के जो रहीम के दोहे है, दैट रहीम, दैट खाए खाना. और रहीम्स टूम्ब इज ऑल्सो हियर. सो वेन यू गो ऑन मेन मथुरा रोड, यहाँ बारापुला के ऊपर से जब आप निकलते हो, जहां बारापुला और मथुरा रोड क्रॉस करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसकी भी अभी रिस्टोरेशन चल रही है, दैट इज रहीम्स टूम्ब और खाए खाना टूम्ब. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने कहीं सुनी थी कि जब अकबर की डेथ होती है तो जहांगीर के टाइम पे कुछ लोग हैं जो खाए खाना को पसंद नहीं करते, तो जब खाए खाना की, रहीम की जब डेथ होती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं उनकी फैमिली के कि कहीं जब हम इनको दफन करेंगे तो इनकी ग्रेव को डिसऑनर ना किया जाए. तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि एक्चुअल में रहीम को, जो अभी रहीम टूम्ब है, वहां नहीं दफनाया गया, इसमें लाकर दफनाया गया था, फाहिम के टूम्ब में, और फाहिम को शायद वहां दफनाया गया हो या यहीं पे, वी डोंट नो, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है, इट्स जस्ट अ ओरल ट्रेडिशन एंड अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. सो दिस इज नीला गुंबद, अभी इसकी रिस्टोरेशन हो चुकी है. इफ यू वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस, गो टू हुमायूं टूम्ब. हुमायूं टूम्ब में पूरा क्रॉस करके बिल्कुल पीछे जाइए, और पीछे से उन्होंने गेट ओपन कर दिया है नीला गुंबद में जाने के लिए, और ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है. नीली मस्जिद हौसखास में है, हौसखास एनक्लेव में एक्चुअली. तो हौसखास एनक्लेव में जब आप मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से निकलते हैं, कीप वॉकिंग, आगे आके एक मार्केट आती है, वो पूरी मार्केट भी क्रॉस करने के बाद आपको ये मॉस्क वहां पे मिलेगी, थोड़ी साइड को अंदर को जाके है. सो दिस इज नीली मस्जिद विच इज फ्रॉम लोधी पीरियड. मेरे पास इसकी पुरानी तस्वीर है जो मैंने राइट साइड पे दी है, आजकल लेफ्ट साइड पे जो आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है, अभी ऐसी दिखती है. दिल्ली में सिर्फ दो मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें ऑफिशियली ASI की तरफ से प्रेयर्स की परमिशन है, जिसमें से एक है ये नीली मस्जिद, और दूसरी है शाही सुनहरी मस्जिद जो मैंने आपको पहले गोल्डन वाले सेक्शन में दिखाई थी. नीली गुमटी एक एग्जिस्ट करती थी दिल्ली गोल्फ कोर्स में, ओबराय होटल के ऑपोजिट, बट अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है. मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, मुझे वैसा कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं है, लेकिन नीली छतरी मंदिर जरूर एग्जिस्ट करता है, हुमायूं के दौर का बताया जाता है, और कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि इसके जो पिलर्स हैं वो हुमायूं के दौर से पुराने हैं, हो सकता है तुगलक पीरियड के हो. आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि मैं खुद जाकर अभी उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया हूं, बट ये जो नीली छतरी मंदिर है, इसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है. कुछ लोग तो कहते हैं नहीं जी, ये पांडवों के टाइम से यहां पर चला आ रहा है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो हुमायूं के दौर में बनाया गया था. यहाँ पर एक नीली छतरी टूम्ब भी हुआ करता था बाबरपुर में, नौबत खां का मकबरा था, लेकिन ये टूम्ब अब आई डोंट नो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि बाबरपुर का बहुत बड़ा इलाका जो है एरिया, वो दिल्ली गोल्फ कोर्स बना दिया गया था, और दिल्ली गोल्फ कोर्स के अंदर अभी 12 टूम्ब है, लेकिन ये जो 12 स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कौन सा नीली छतरी है, वी डोंट नो, है भी कि नहीं, नॉट श्योर. सो नो आइडिया कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ है. मिर्जा नीली का घर मेहरौली के अंदर है, औरंगजेब की बावली के पास. वो बावली भी अब खत्म हो चुकी है, वो घर भी अब खत्म हो चुका है. 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये बना था, अब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं. सो वी हैव नो आइडिया कि एग्जैक्टली कौन सा स्पॉट था जहां पर ये एग्जिस्ट करता था. अब आ जाता है रंग. अच्छा, इसमें एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, काले साहब की हवेली. ब्लैक में काले साहब की हवेली मेहरौली में है, और काले साहब जो है वो बहादुर शाह जफर के स्पिरिचुअल मास्टर हुआ करते थे,
लेकिन अभी बहुत रिसेंटली जस्ट 2 साल पहले ही उनकी पूरी हवेली को तोड़ दिया गया जो बची हुई थी। अभी भी उसका गेट बचा हुआ है, अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने अपने पोर्शन डिवाइड करके अपना नया घर बना लिया है। बहुत से लोग मेरे से इस बारे में डिबेट करते हैं वेदर इट इज राइट टू डिस्ट्रॉय ओल्ड मॉन्यूमेंट्स और नॉट। सी आई वुड से दैट ठीक है 100 साल पूरे हो गए हमने उसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया, बट जस्ट थिंक अबाउट द फैमिली दैट इज लिविंग देयर। अगर आप अगर कोई एक घर में रह रहा है उनकी फैमिली वहां पर पिछले 200 साल से रह रही है और ऑल ऑफ अ सडन आप ये बोल दो जी अब ये बिल्डिंग जो है ये हेरिटेज है यहाँ से आप बाहर निकल जाइए, तो वो निकल के कहाँ जाएंगे? उनके पास तो वही प्रॉपर्टी है एंड दे कैन डू नथिंग बट डिवाइड दैट प्रॉपर्टी अमंग्स द ग्रोइंग फैमिली। 200 साल से आफ्टर ऑल वो वहां रह रहे हैं और फिर मॉडर्न एमिनिटीज चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, सो उस चक्कर में उनको वो बिल्डिंग्स को तोड़कर नए स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। यही काले साहब की हवेली के साथ भी हुआ है, तो जो गेट है वो अभी भी उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया लेकिन अंदर का पूरा जो है वो तोड़ के नई बिल्डिंग बना के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने घर वहां बना लिए। अब रंग की बात करते हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स आ जाएं, तो वो है हमारे पास रंग महल। आगे चल के इसका नाम जफर महल हो जाता है। रंग महल जो है वो मेहरौली में एग्जिस्ट करता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है उसके बिल्कुल बगल में। जो दरवाजा आपको सामने नजर आ रहा है बड़ा सा गेट, उसे हाथी दरवाजा कहते हैं जो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, जिसकी वजह से इसका नाम जफर महल पड़ा। उससे पहले इस जगह को रंग महल ही कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे रंग तमाशे होते थे। यहाँ पर फूल वालों की सैर फेस्टिवल के दौरान बादशाह जो है वो आके स्टे करते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने सारे एंटराज के साथ। तो ओपन आगे बहुत बड़ा ओपन स्पेस हुआ करता था जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो पड़ गया रंग महल। तो ये थे कुछ मॉन्यूमेंट्स, ये आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं रंग महल की। अब ये बहुत बुरी हालत में है, इनक्रोचमेंट की वजह से और ज्यादा सिकुड़ चुका है। ओरिजिनल जो इसका साइज हुआ करता था वी कांट इवन सी दैट एनी मोर। दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। सो दोस्तों ये थे मॉन्यूमेंट्स जो रंगों के नाम पर थे दिल्ली के अंदर। नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इंटरैक्ट चैट यू कैन अनम्यूट योर माइक्स। I can see some of the videos on my screen. Kalam का क्या meaning बताया था सर आपने? Kalam? Kalam means big, बड़ा. Okay. Kalam मतलब बड़ा, big. Sir, one more question. ये इनका लाल जो रंग है उससे क्या मतलब इनका association है? मतलब यहाँ पे most of the monuments, mosque और जितनी भी historical places हैं, they are associated with this color red. लेकिन लाल से इसका कोई association नहीं है। दिल्ली की जो rock belt है, उसमें Delhi quartzite है, जिसमें जो थोड़ा सा लाली चला जाता है। उसके अलावा जो nearest जो हम निकाल सकते हैं, nearest तो हमें red sandstone ही मिलता है। तो quartzite is quite hard. परफेक्ट कट करना बहुत स्टोन बहुत इजीली कट हो जाता है। ओके रवि मैंने आपको म्यूट कर दिया, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज काफी आ रही थी। सो लाल क्योंकि रेड सैंडस्टोन इज इजीली अवेलेबल और वही एक ऐसा स्टोन है जिसको आराम से कट करके बहुत ही फाइन तरीके से आप लगा सकते हो। जितनी बिल्डिंग्स भी लाल पत्थर की बनी हुई है उनके अंदर क्वार्ट्जाइट की पहले स्ट्रक्चर बनाई जाती है दिल्ली क्वार्ट्ज की और उसके ऊपर फिर लाल पत्थर की क्लैडिंग लगा दी जाती है। प्योर लाल मार्बल से जो रेड सैंडस्टोन है, प्योर रेड सैंडस्टोन से हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अंदर दूसरी लेयर्स हैं बिल्डिंग्स में या शायद एक दो हो भी, मतलब कुछ पोर्शन में कहीं कहीं वो लगा के उसको उस तरीके से बना देते थे। एनी अदर क्वेश्चन? Anshuman, you want to ask something? Anshuman is asking, what is gumti? Gumti, jaise gumbad hai, to gumbad se chota ek gumti. Basically, a complete structure, jisme niche ek chota sa kamra banaya jata hai, 4 pillars, diwar, aur uske upar ek gumbad chota sa. ज्यादातर गुमटियों के अंदर 2 या 3 आदमी खड़े हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। गुमटी कैन बी अ शॉप, कैन बी अ टूम,
और मे बी अ स्मॉल सिंगल रूम गार्ड टावर भी. सो गुमटी का सिंपल मतलब ये बहुत छोटा सा गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो किसी भी काम आ सकता है, दैट्स गुमटी. व्हाट एल्स? आपने वो देखा स्ट्रक्चर जहाँ पे पानी अपने आप भर जाता है, wanted to understand a little more about that. तो वो पानी अपने आप जमीन से ऊपर अपने आप आता है क्या? वो रेन वाटर कलेक्ट होता है वहां पे थोड़े थोड़े दिनों में? जो मैंने आपको असद बुर्ज की फोटोग्राफ दिखाई थी लाल किले की, उसमें ये है कि क्योंकि वो लोएस्ट पॉइंट है शहर का, तो अंडरग्राउंड जो वाटर चैनल्स हैं उनका सारा फ्लो यमुना की तरफ है. दैट गेट टचेज यमुना, तो पूरे का पूरा शहर का जो पानी है वो उसी साइड से यमुना में जा रहा है, जमीन के नीचे नीचे अंडरग्राउंड चैनल्स है. और क्योंकि वो दरवाजा इतना नीचा है कि जैसे ही बारिश होती है और जमीन में वाटर लेवल ऊपर जाता है तो ये वाला पोर्शन जो है वो पानी में डूब जाता है. क्योंकि हमने जगह जगह सड़कें बना दी हैं, क्योंकि हमने प्रॉपरली अंडरग्राउंड वाटर को मैनेज नहीं किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की है, तो अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम फिल चुका है. पुराने जमाने में यहाँ पानी नहीं भरता होगा क्योंकि पहले बाहर दूसरी जगहों से ही पानी अपने आप चला जाता होगा यमुना में, अब सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है. थैंक यू. हाय विक्रम जी, दिव्या दिस साइड. जी दिव्या. I had attended a talk given by you, I guess few years ago, where you were talking about something about water, you know, water channels of Delhi. And then I remember you talking about that, how this outer structure of, you know, Lal Kila, this water canal which used to go through, somehow the water wasn't pure and people never used that water to drink. And instead that canal which used to go from Chandni Chowk, people use that water. So right now, like in the talk, we talked about that, how the outside guards, you know, used to protect the Red Fort from the outside. So how did they survive? You know, how was this connected to that, this thing? Okay. आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो. यस, यमुना का पानी डायरेक्टली नहीं पिया जाता था, लेकिन जो कैनाल आ रही है उस कैनाल से भी पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था. उस कैनाल को, वो कैनाल बेसिकली अंबाला के पास से फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे निकाली गई थी, और घूमते घूमते फिर अकबर ने उसको एक्सटेंड किया, शाहजहां ने उसको फर्दर एक्सटेंड किया, वो घूमते हुए शहर के बीच में आ जाती है और पानी पूरा लेकर यहाँ से वो बेसिकली फाउंटेन्स में वो पानी जा रहा है, वो कैनाल के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए तो वो पानी इस्तेमाल हो रहा है. पीने के लिए कुएं और बावलियां हुआ करते थे. लाल किले के अंदर भी पीने के लिए जो पानी है वो बावली से आ जाता था. हमारे पास बावली है, कुछ कुएं हैं वहां पर. यमुना से डायरेक्टली पानी इसलिए नहीं पिया जाता था क्योंकि कुएं से निकलने पर यह पानी जो है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो चुका है. जमीन के नीचे से सैंड के थ्रू फिल्टर होकर ये पानी पहुंच रहा है, तो सैंड फिल्ट्रेशन वर्क्स परफेक्टली. यमुना गंगा जैसी नदियों के अंदर जो ऑक्सीजन का जो आइसोटोप पाया जाता है वो ऐसा है कि बॉडी अगर रेगुलरली उस पानी को कंज्यूम करेगी तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ. तो इसलिए उस पानी को रेगुलर कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली नहीं यूज किया जाता. और भी इम्प्योरिटीज का खतरा उसमें रहता है क्योंकि वो यमुना जो है वो यहाँ पर आके थोड़ी सी स्लो हो जाती है, मतलब काफी स्लो हो जाती है. इट्स मोर टुवर्ड्स स्टैग्नेंट देन मूविंग रिवर. ये पानी डायरेक्टली पीना ठीक नहीं है, तो इसलिए नीचे से फिल्टर करके जमीन के नीचे से सैंड फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन, जो हमने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, उसके थ्रू ये पानी हमारे पास आता है, फिर हम पीते हैं. सो वाटर कैनाल जो है, दैट इज चैनल इज फॉर फाउंटेन्स और डेकोरेशन और अदर एलिमेंट. वेल्स एंड स्टेप वेल्स आर फाउंटेन. Asking, will I keep the recording on Facebook? Yes, I will. It is getting recorded now. सर, कोई जैन मंदिर मतलब मुगल के टाइम का हो, कि उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री, या फिर बहुत पुराना कोई मंदिर हो, उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री हो जैन मंदिर की? बिल्कुल, जैन मंदिर मौर्या दौर के हमारे पास हैं. इनकी जो हिस्ट्री है, मैंने अभी तक इनकी हिस्ट्री पर बहुत डेप्थ में काम नहीं किया है, बट आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन इट, बिकॉज अभी ऑलरेडी जैन मंदिर जो भी मैंने प्लान है मेरा कि मंदिर के ऊपर मुझे एक सेशन करना है, तो उसमें obviously Jain mandirs will be included. तो मुझे आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अच्छे से एक बार पढ़ लूँ, and then I'll you know share that. Sure, thanks. So friends, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है, then we can end this session here.
And I'll share a new topic by tonight, and in next 1 or 2 days, we'll go live with another topic. Thank you, Vikram. We had an excellent session. Thank you so much. Thank you. I'm glad you guys enjoyed. Very informative. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Welcome back. Thank you, Vikram. Thank you. All right. See ya. Bye-bye. Thank you.